AMIM Chief and MP Asaduddin Owaisi says not even a single member of the 24 members of TTD board is a non-Hindu. The new chairman of TTD says that the people working there should be Hindu. We are not against this. We just have an objection to the fact that Narendra Modi's government is saying in the proposed bill of Waqf that in the Central Waqf Council, it has been made mandatory that two non-Muslims members should be there. Why are you bringing this provision in the Waqf Bill? TTD is a board of the Hindu religion and Waqf Board is for the Muslim religion. There should be parity. When the trustees of TTD cannot be Muslims, how will a non-Muslim member be on the Waqf Board? Act 1987 to wo prescribe karta hai conditions ko aur wo sections aap bolenge ki pure ke pure हिंदू धर्म के मानने वाले रहना, फिर आप आ जाइए सेक्शन 106 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जॉइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स तिरुमला देवस्थानम के सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि पूरे के पूरे हिंदू रिलीजन प्रोफेस करना, फिर सेक्शन 97 देख लीजिए हम, और फिर जो नए चेयरमैन बनाए गए वो ये बोल रहे हैं कि जो कोई भी वहां पर काम करेगा, ये तो ट्रस्टीज हो गए, जो कोई भी वो काम करेगा वो हिंदू होना चाहिए। हमारा बोलना यह है कि ये हिंदू धर्म के लिहाज से वहां के चेयरमैन साहब कर रहे हैं, तो चेयरमैन साहब को ये अख्तियार है, हमको उससे इख्तलाफ नहीं है। हमको इस बात की आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जिसमें ये तमाम अलाइज भी शामिल है, वो जो वक्फ बिल के प्रपोज बिल में कहा जा रहा है कि स्टेट वक्फ बोर्ड है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसमें ये बोल रहे हैं कि वहां पर स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुसलमान बनना चाहिए, उसको प्रपोज बिल में कम कर दिया जा रहा है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 7 से मुसलमान बनेंगे और 2 तो मैंडेटरी कर दिया गया है नॉन मुस्लिम को बनाना, मगर उसमें 12 बन सकते हैं नॉन मुस्लिम। भाई जब आप यहां पर नॉन मुस्लिम को स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बनाने जा रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं आप? भाई जब टीटीडी के बोर्ड में ये साफ लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज 96 देख लीजिए आप, 96(2) ये कहता है कि सिर्फ वही मेंबर बनेंगे जो हिंदू धर्म के होते हैं। आप यहां पर वक्फ बिल में आप ये क्यों प्रोविजन ला रहे हैं? भाई टीटीडी भी हिंदू धर्म का एक बोर्ड है, आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट चैरिटेबल पर्पस का बोर्ड भी हिंदू धर्म के लिए है, वक्फ बोर्ड भी जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए है। अब जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमान नहीं नॉन मुस्लिम बनेंगे, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बोल रहे हैं कि नहीं मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम बनेंगे और उसमें कम से कम जो है आप बोल रहे हैं कि 2 से बढ़ाकर आप 12 बना देंगे, यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेजोरिटी हो जाएंगे, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को बनाएंगे। तो ये पैरिटी होना चाहिए ना भाई। जब टीटीडी बहुत बड़ा हिंदू धर्म का एक वो मरकज है, वहां पर आपके ट्रस्टीज कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, नॉन हिंदू नहीं हो सकता है, वक्फ बोर्ड में कैसे नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा? अब तो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज भी हिंदू धर्म के होना चाहिए। और आपके देखने वालों को आपको समझने की जरूरत है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में हिंदू धर्म का मतलब क्या है? जो हिंदू है, सिख है और आपके बौद्ध मजहब का है और जैन है, मगर यहां पर किसको बनाया जाएगा? सिर्फ हिंदू धर्म के मानने वालों को बनाया जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि काशी विश्वनाथ का बोर्ड है उसमें लिखा गया कि पूरे कमिश्नर सब लोग हिंदू धर्म के, एंडोमेंट बोर्ड में तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में ओडिशा के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में तमिलनाडु के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड लिखा गया कि अगर कोई भी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर हिंदू धर्म को छोड़ देगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। वहां पर आप अपने धर्म के लोगों को बना रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा है क्योंकि आपका धर्म है, आप बेहतर जानते हैं। हमारे धर्म के मामले में आप क्यों आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्यों बनाना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड मेंबर? और सुनिए,
इसका इसका बुनियादी हम लोग हमारे को आर्ग्यूमेंट हमारा क्या है, हम क्यों बोल रहे हैं कि ये भारत के संविधान के आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। आर्टिकल 26 क्या है बताता हूं मैं आपको। आर्टिकल 26 गारंटीज फ्रीडम टू मैरी रिलीजियस अफेयर्स ऑफ एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन ऑफ सेक्शन देयर ऑफ। उसमें ए सेक्शन 26 ए का देख लीजिए, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, बी मैनेज ओन अफेयर्स मैटर ऑफ रिलीजन, सी टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, डी टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये पूरा वायलेशन और आर्टिकल 26 का जो प्रपोज बिल में, और आप यहां पर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मुसलमान नॉन मुस्लिम को बना देंगे वक्फ बोर्ड में। जो टीटीडी के चेयरमैन ने कहा है हम उसके मुखालिफ नहीं है, बल्कि उसके ट्रस्टीज तो जो 24 ट्रस्टीज बनाई गई है उसमें देख लीजिए, उसमें किसका नाम है, उसमें किसी नॉन हिंदू का नाम है नहीं है उसमें। इसीलिए हम ये ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि प्रपोज बिल में नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म के लिए जो चीजें हैं वहां पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो मुस्लिम धर्म की जो चीजें हैं वहां पर आप नॉन हिंदूज को ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं बता रहा हूं, इसलिए ला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के एक्ट में 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट का प्रोविजन है। तो नरेंद्र मोदी एक तो कलेक्टर को पावर्स दे रहे हैं, दूसरा सीईओ जो होगा वो मुसलमान नहीं होगा वो भी बिल में है। 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट लेकर आप पूरे वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। आप मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों की दरगाहों को, खानखाओं को, उस जमीनों को हासिल करना चाह रहे हैं। तो वक्फ जो बिल लाया नरेंद्र मोदी ने लाया है वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया है।